हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं अपना 30x60 ईस्ट फेसिंग फ्लोर प्लान। ये ग्राउंड फ्लोर है। इसमें हमने एंटर करते ही दो गेट दिए हैं, एक कार पार्किंग के लिए, एक छोटा ह्यूमंस के आने जाने के लिए। तो ये कार पार्किंग है, अपना पोर्च एरिया है। ये 14 फीट 5 इंच बाई 15 फीट 5 इंच का है। फिर हम इधर आते हैं लॉन की तरफ। ये छोटा सा लैंडस्केपिंग एरिया है अपना, ये 7 फीट बाई 8 फीट 8 इंच का है। फिर अपन ऊपर चढ़ते हैं स्टेयर से और अंदर एंट्री लेते हैं। ये अपना ड्राइंग एरिया आ गया है। इसमें ये टीवी यूनिट हो गया है, ये इधर अपने सोफे और सेंटर टेबल है। फिर इससे अपन नॉर्थ ईस्ट के अंदर आते हैं। ये अपना पूजा रूम हो गया है, 6 फीट 8 इंच बाई 5 फीट का। इससे आगे अपन चलते हैं, ये अपना डाइनिंग और लिविंग एरिया हो गया है, 17 फीट 5 इंच बाय 17 फीट 4 इंच। लिविंग और डाइनिंग से ही हमने अटैच में अंदर से सीढ़ियाँ दी है। ये अपना अपर फ्लोर जाने के लिए सीढ़ियाँ हो गई है। इससे नीचे हम आते हैं किचन की तरफ। ये अपना किचन बाहर की तरफ एक विंडो किचन में वेंटिलेशन के लिए। और किचन की साइज 7 फीट 6 इंच बाय 13 फीट है। और किचन में एक स्टोरेज दे दिया है, ये 4 फीट 3 इंच बाय 10 फीट 11 इंच का है। इससे अपन हम बाहर चलते हैं। ये अपना बाहर के लिए वॉश बेसिन हो गया है, कॉमन टॉयलेट है। ये 6 फीट 3 इंच बाय 5 फीट का है। पीछे हमने कटआउट दे दिया है टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए, ये 5 फीट बाय 2 फीट का है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं किड्स रूम की तरफ। ये अपना एक किड्स रूम हो गया है। इसमें दो वार्डरोब दे दी है, बीच में टीवी यूनिट है और एक बेड है। इसकी साइज 10 फिट 3 इंच बाई 12 फिट है। इससे अब हम बाहर चलते हैं दोस्तों। तो ये हमारा बेडरूम आ गया है, इसे मास्टर बेडरूम बोल सकते हैं। इसमें एक वार्डरोब है, एक टीवी यूनिट है, एक बेड है और एक अटैच टॉयलेट है। तो ये टॉयलेट 6 फिट 10 इंच बाय 4 फिट 8 इंच का है और अपना रूम 14 फिट बाय 14 फिट 5 इंच का है। फिर हम दूसरे बेडरूम में आ गए, इसके बगल वाले बेडरूम में। हम अगले बेडरूम में चलते हैं दोस्तों। इसके अंदर टीवी यूनिट है, ये बेड आ गया है अपना, ये वार्डरोब आ गई, एक अटैच ड्रेसिंग आ गया इसके अंदर। इसमें एक वार्डरोब है और यहाँ मिरर अपन दे सकते हैं। इस रूम की साइज 14 फिट 13 14 फिट बाय 13 फिट 6 इंच है। फिर अपन अंदर चलते हैं, ये टॉयलेट आ गया है, 11 फिट 4 इंच बाय 5 फिट का है। इसके पीछे हमने दोनों टॉयलेट का वेंटिलेशन दे दिया है, ये 2 फिट 4 इंच बाय 5 फिट का कटआउट है। ठीक है दोस्तों, ये पीछे से टेपर था तो इसका हमने यूज़ पूरी तरह से लिया है दोस्तों। और ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका एलिवेशन चाहते हैं, अगर आप इसका एलिवेशन देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम इसका एलिवेशन 3D में बनाएंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।